सो फाइनली गाइस हम जयपुर पहुंच चुके हैं। गाइस मेरी मम्मी आज दही बड़े बनाएगी मेरे दोस्तों के लिए। मतलब मैं हर बार बोलता हूँ कि जो मतलब जीप को चलाने का मजा है ना भाई, वो कार में या किसी को और में चलाने में नहीं है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार एक चीज़ है वो जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ भाई, तुम लाइक और कमेंट नहीं करते कोई भी, मतलब थोड़े बहुत लोग करते हैं भाई, लाइक और कमेंट दोनों किया करो। और गुड मॉर्निंग मम्मी जी की तरफ से भी। गुड मॉर्निंग। और भाई आज बन रहे हमारे राजमा चावल और दही बड़ा। कितना मेरा यहाँ पे है मेरे दही बल्ले जो कल ही दिखाया नहीं, कल वाली वीडियो में दिखाया था ना। और अब हम इनको खाएंगे मस्त। एक नंबर। इसमें थोड़ी बहुत टूटी फ्रूटी होती ना। टूटी फ्रूटी को नहीं वे, चेरी वे। टूटी फ्रूटी बोलते हैं उसको। चेरी वे बा। चेरी वे। आज मैं जाऊंगा ना, इसके लिए मम्मी जी ने ना मेरे लिए खीर भी बनाई है, चावल भी बनाए हैं, दही बल्ले भी बनाए हैं। आज फुल से हो रही है मेरी। ऐसे तो भाई हर रोज होती है लेकिन आज थोड़ी सी खास है। सो गाइस खाना बन गया, रोटी बड़े कौन जी के। और यहाँ पे दही बड़े के लिए मतलब प्याज वगैरह डाले हैं। सो भाई ये लेके चलते हैं चाचा जी पापा जी के लिए। सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, एक तो सिलेंडर भरवा के लाना है, मतलब चेंज करके लेके आना है, और दूसरा मेरी बस की टिकट करवानी है क्योंकि आज शाम को मेरे को जाना है। सिलेंडर रख लिया भाई अपनों ने जीप के अंदर। और ये हमारी जीप पुरानी भाई, बहुत मस्त है, बहुत मस्त। मतलब मैं हर बार बोलता हूँ कि जो मतलब जीप को चलाने का मजा है ना भाई, वो कार में या किसी को और में चलाने में नहीं है। इधर सरसों की कटाई हो रही है, मतलब मस्त है भाई, कहीं भी मतलब कैसे भी चलाओ। ये है भाई गड़साना की दान मंडी, यहाँ पे लास्ट में से मिलता है सिलेंडर। अरे ट्रक वाले भाई साहब रुको रुको रुको, अभी हम जाएंगे पहले। यहाँ पे मिलता है भाई सिलेंडर, वो देखो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आए मैं बस स्टैंड के ऊपर, यहाँ पे हमारी टिकट बुक होती है लेकिन यहाँ से है नहीं। अभी देख रहा हूँ रावला वाले नंबर मांगे हैं, अगर रावला से स्लीपर मिल जाए तो यहाँ से रावला, रावला से फिर स्लीपर के अंदर। सो फाइनली गाइस अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ से वापस, और मेरी टिकट बुक होगी और मेरे को ना अब करनी है पैकिंग। पैकिंग करेंगे भाई, और आज शाम को हमारी बस से 7:15 बजे जाएंगे जयपुर। अभी हमने खीर खाई थी और मम्मी जी वापस से बर्तन मांज रहे हैं, खीर बहुत टेस्टी थी। मम्मी जी थैंक यू, मम्मी जी थैंक यू, मम्मी जी थैंक यू। आप पापा बेटा का भी थैंक यू, धूप में बर्तन साफ करवा रहे हो, देखो रे साहब। वेलकम, हम दोबारा करवाना चाहेंगे। कोई ना वो दही बड़े खा लेना फिर, अब तक तो दूर। गाइस मेरी मम्मी आज दही बड़े बनाएगी मेरे दोस्तों के लिए। और वीडियो में बता दियो किन्ने किन्ने दऊं मैं, नहीं दो चार नहीं दी भाई, जिस जिसको दूंगा ना उसको दही तो खुद को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से इतना सामान लेके नहीं जा सकता, मेरा खुद का सामान काफ़ी हो गया। ये हमारी जीप पुरानी, ये हमारी मम्मी जी। अभी मैं और पापा जी मतलब मुड वाले खेत के अंदर घूम के आए वैसे ही कोई काम से, और दिखाया अभी भाई मेरा बैग पैक हो गया, लैपटॉप डालने वाला रहा है, ये रहा मेरा बैग। और मैं जाऊंगा जयपुर आज शाम को 7:15 बजे बस से मिले। और आप मेरे साथ इस व्लॉग में और आने वाले अगले जितने भी व्लॉग हैं उनमें आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको जयपुर के और वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो मेरी लाइफ है या और वहाँ की जो चीज़ें हैं साथ साथ में वो भी दिखाऊंगा आपको। तो यार आज आ गई हमें बहुत अच्छे वाली नींद, बहुत तगड़ी नींद आई यार, मतलब अब भी नींद आ रही है। मम्मी जी ने हमें बना दिए दही बल्ले भी बना दिए बड़े। ये मेरा सामान,
एक बैग, दो बैग, तीन बैग, सीधे रख लिया भाई, नींद आ गई। तो भाई हम तो ना जाते जाते भी चने की सब्जी खाएंगे, अभी एक घंटा या आधा घंटा लगेगा रोटी सब्जी बनने में, और वो इंसान ये रहा जो मेरे को खिलाने वाला है, खिला पिला के ऐसे मोटा करके भेजेंगे। दो मिनट बाहर से भी, हाँ दे रहा हूँ, एक मिनट। जय हो गौ माता। मेरे को था कि ना दादाजी आ जाएंगे आज, मतलब फिर मैं जाऊंगा तो उनसे मिल लूँगा दादाजी दादी जी से, लेकिन वो आए नहीं। पर कोई बात नहीं भाई, मतलब फिर कभी आएंगे तब मिल लेंगे उनसे, वैसे दिल तो बहुत था उनसे मिलने का। आज जो ये नींद आई है ना, इस नींद के बाद में अभी जैसे नींद और आई जा रही है, मतलब ये देखो मेरे लिए ना चने की सब्जी के साथ ये भी बन रहे हैं परौंठे। शाबाश मम्मी जी, शाबाश। सो फाइनली गाइस, अभी हमारा घर से चलने का समय हो चुका है, मैं जा रहा हूँ जयपुर के लिए, पापा जी मुझे छोड़ के आएंगे, और यहाँ पे मम्मी जी बाय सब्जी खिलाने के लिए और के लिए चीज़ के लिए। ऐसे भाई होता है घर से जाते हैं, घर से वहाँ से ऐसा तीन बैग लेके यहाँ से जा रहा हूँ, तीन बैग लेके। नई मंडी पहुंच गए सामान लेके, मैं भी पहुंच गया। अभी जीप यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं, फिर वहां पे जाएंगे हम। तो फाइनली गाइस हमारी बस आ चुकी है भाई, और इस बार भी मेरा जाते वक्त की तरह जैसे मैं आया था शेयरिंग में, अब जाऊंगा भी मैं शेयरिंग में, और भाई बस आ गई, पापा जी जस्ट अभी गए हैं मेरे को छोड़ के। ये है भाई अपनी बस, ये अपने चलते हैं कैबिन के अंदर, एक ले ली अपनों ने फ्रूटी। तो भाई ये गड़साना से जो जयपुर जाती है वो ऐसी बस है, मैं दिखा दूँ थोड़ी सी अंदर से, कैबिन भी आधे आधे बंद है, वैसे तो बढ़िया जैसे ये देखो अभी मैं दिख रहा हूँ। हाँ तो एक चीज़ बताता हूँ कि पहले एक बस चलती थी बहुत बढ़िया थी, वोल्वो थी वो, और वो तो एकदम फुल लग्जरी, और उसके बाद जो बस चली वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन अब जो ये चली ये बढ़िया भाई। तो भाई हमने अपना सामान सेट कर दिया, इधर लैपटॉप रख लिया, अब मैं खुद की शक्ल दिखाऊंगा, तो यहाँ पर लाइट नहीं है यार, क्या क्या इन बटनों से ना कुछ होता तो है नहीं, पता नहीं दिए क्यों है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि फ़ोन चार्जर है, फ़ोन चार्ज कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, पर लाइट नहीं है। अब बस चलने वाली है, सो गाइस अभी बसेस यहाँ पे एक होटल के ऊपर पहुँची है, और यहाँ पे लोग उतर के खाना वगैरह खा रहे हैं, मैं तो नहीं खा रहा क्योंकि घर से खा के आया था मैं। अभी फुल मस्त माहौल बना हुआ है, थोड़ा सा भाई हमने टेस्टी थोड़ी सी चिप्स और एक वो ली है स्लाइस, अब जा रहे हैं बस के अंदर। भाई मेरा सही बताऊं तो मेरा ना बस चलाने का दिल कर रहा है भाई, मस्त बस है, ऐसे चला लूँगा मैं, ले जाऊँ भगा के। तो भाई यहाँ से सारी बसें चली गई, हमारी बस रहेगी। हमने भी यहाँ पे थोड़े से चिप्स और एक स्लाइस और ले ली। सो फाइनली गाइस हम जयपुर पहुंच चुके हैं,
अभी जा रहे हैं मेट्रो के अंदर, मेट्रो से जाएंगे हम आगे। सो फाइनली गाइस हम रूम के अंदर पहुंच गए और रूम दिखा देता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा। ये भाई कुछ ऐसे था, मैंने बस अभी आया हूँ, वीडियो अपलोड करने लगा हूँ मैं, और अपना रूम कुछ इस हालत में छोड़ के गए थे। ये देखो। सो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।